हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं जियाउद्दीन सिद्दीकी आपका अपने यूट्यूब चैनल आसियाना एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ का मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है, देखते हैं। ये राजीव प्रकाशन का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक परिमेय संख्या क कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। क ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी एक, डी ए और बी दोनों। तो चेक करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला का क का उत्तर हो गया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। तो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्यू बाय पी बाय क्यू, उसको कैपिटल क्यू से लिखते हैं। कैपिटल क्यू बराबर होता है पी बाय क्यू, जहाँ की पी और क्यू परिमेय संख्या होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो क्यू में ना लिखा जा सके, जिसे क्यू डैश, क्यू डैश ये अपरिमेय संख्या, उनका योग देखना है। तो परिमेय संख्या क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्या परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बटा क्यू में न लिखा जा सके, जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो इनका योग देखते हैं। तो मान लो दो लेते हैं, अपरिमेय संख्या अंडर रूट टू लेते हैं, और क्या ले सकते हैं, मान लो थ्री लेते हैं, ये टू प्लस अंडर रूट थ्री लेते हैं, फाइव लेते हैं, थ्री अंडर रूट फाइव लेते हैं, कोई भी लेंगे, कोई भी देखा जाएगा, तो इसका योग जो होगा, योग होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये दो प्लस अंडर रूट टू, टू प्लस अंडर रूट टू, तीन दो पाँच, पाँच प्लस अंडर रूट थ्री, पाँच तीन आठ, आठ प्लस अंडर रूट फाइव। तो देखा क्या गया है कि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग लिया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। दूसरा सवाल कह रहा है, मोड भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तुमको संख्या दिया हुआ है, दो छः चार दो जीरो दो एक तीन दो तीन। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब जो बार बार, जो ज़्यादा मर्तबा आया हो, जो ज़्यादा बार आया हो, जो ज़्यादा बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। इसमें तुमको दिखाई दे रहा है कि दो कितनी मर्तबा है, एक दो तीन चार, चार मर्तबा आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, उत्तर में क्या लिख दोगे, बहुलक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि दो सबसे ज़्यादा आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा सवाल था ये। हाँ, तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि रेखाओं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो का एक अद्वितीय हल होगा। देखो ये जो है रेखाएं हैं, रेखा तुम जानते हो, तो अगर दो रेखाएं हैं तो दो रेखा अद्वितीय हल कब, हल कैसे निकालोगे, या तो रेखा एक दूसरे को कहीं काटेगी,
या ये दोनों पैरेलल होंगे या ये एक रेखा उसी रेखा पे होगी, ये ऐसे हो सकता है। यही ना तीन ऑप्शन हैं, यही तीन ऑप्शन हो सकते हैं, तीन विकल्प यही है। या तो ये रेखा एक दूसरे को कहीं पे काटेगी, या तो पैरेलल होंगी तो कहीं नहीं काटेंगे, समानांतर हो या एक दूसरे पे हो। तो ये तीन ऑप्शन है। तो कह रहा है कि अगर दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो तथा a2x प्लस b2y का अद्वितीय हल होगा, तो इसमें अद्वितीय यूनिक एक हल है, इसमें कोई हल नहीं है, इसका मान सब जगह आएगा एक ही, अनंत हल होगा इसमें। तो अद्वितीय हल यहाँ मिल रहा है, तो अद्वितीय हल यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे कोई हल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अनंत मिल रहा है, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा पे एकदम उसी पे है। तो रेखा जब होता है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो हो, समझ रहा है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अद्वितीय हल कब होता है, जब अद्वितीय हल होता है जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब x का गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होता है। हम इसी में बता देते हैं, अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाए और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे सवाल में देखा जाएगा कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। तो पूछ रहा है तीसरा सवाल में, गांव में कह रहा है कि दो रेखाओं का अद्वितीय हल कब होगा, कब होगा, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा तब। तो इसका आंसर क होगा, क दिया है उत्तर में, इसका लिख देंगे क, a1 अपान a2 प्लस b1 अपान b2। ये राजीव प्रकाशन का सवाल मैं हल कर रहा हूँ, इसको सभी लोग, हमारे ख्याल से सभी लोग ये अंसार लिए होंगे, इसको सॉल्व करते होंगे। तो मैं इसका मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमको प्रमोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि हम और वीडियो डाल सकें, प्लीज़। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग हो गया, घ की तरफ चलते हैं, घ के तरफ चलते हैं। घ सवाल कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। घ सवाल कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप, हाँ, समरूपता, समरूपता चेक करने के लिए क्या होता है, समरूप मतलब एक जैसा रूप हो। जैसे आप लोग एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाते हैं, एक बड़ा फ़ोटो रहता है तो वो समरूप होता है, जितना रेशियो आपके कान का है, आँख का है, वही रेशियो हर जगह रहता है, तो उसको समरूप फ़ोटो कहते हैं, समरूपता कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा जो समबाहु त्रिभुज, तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज तो कई तरह तक होते हैं, एक समद्विबाहु होता है, एक समबाहु होता है, एक समकोण होता है। तो समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जिसकी समान हो, दो भुजाएं जिसकी समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, दो भुजाएं समान हो तो एक समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये भी तो भुजा समान है, हाँ, ये भी भुजा समान है ये, लेकिन ये तीनों भुजाएं सेम टू सेम नहीं है। तो समबाहु समद्विबाहु कभी नहीं होता है, सम द्यु बाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, समकोण भी त्रिभुज है, ऐसे है, हाँ, ठीक है। अब इस अनुपात में इसको कर देंगे तो ये भी नहीं होगा, हाँ, समकोण भी सम त्रिभुज नहीं होगा, हाँ,
सर्वांगसंग जो सब अलग अलग हो तब भी वो नहीं होगा, एक ही त्रिभुज बनता है जो समरूप होता है उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसका तीनों कोण समान होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, तो कोण जिसके समान होते हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहुज में ऐसा नहीं है, तीनों कोण समान नहीं थे, दो ही कोण समान थे। हाँ, तो अब देखते हैं जब तीनों कोण समान होते हैं तो उसको वो समरूप होते हैं, तो ये समरूप जो होगा समबाहु त्रिभुज होगा, तो घ सही है यानी डी सही है, इसका उत्तर लिख दीजिएगा डी। हाँ, समबाहु, समबाहु, हाँ। अब देखते हैं अंग, अंग की तरफ जाते हैं हम लोग, अंग की तरफ जाते हैं, अंग क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि साइन 48 माइनस कॉस 42 का मान होगा, साइन 48 माइनस साइन 42 का क्या मान होगा। तो अब देखो ऐसे फार्मूले में एक कोण को चेंज कर सकते, एक ऐसा दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो, अलग अलग एंगल दिया है, यहाँ 48 दिया है, यहाँ 42 दिया है, तो एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसा चेंज करेंगे कि ये भी 42 हो जाए या ये भी 48 हो जाए, तो जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो उस पर तोड़ेंगे तो हम इसको किसी को भी तोड़ सकते हो, साइन 90 माइनस 42 लिख सकते हो, माइनस साइन 42, क्योंकि साइन 90 माइनस 42 90 में से 42 घटाओगे तो 48 आ जाएगा। तो अब जानते हो ये ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का फार्मूला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। क्या जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। हाँ, जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा ये मान चेंज हो, 90 माइनस थीटा रहे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो साइन हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा रहे तो कट हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा, यही है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो ये कॉस 42 हो जाएगा माइनस कॉस 42, ये दोनों 42 हैं तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा जीरो सी हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ये हमको प्रमोट करना चाहते हैं सब्सक्राइब करें।